हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू चामो ब्यूटी हिल्स चैनल। आज मेरा क्लाइंट का हेयर काफ़ी लंबा है, लेकिन ज़्यादा मोटा नहीं है, घने नहीं है। मेरा क्लाइंट को इधर लंबाई कम नहीं करना है, ऊपर से लेयर्स भी दिखना चाहिए। इस तरह जब बाल घने नहीं है, लंबा ज़्यादा है और लेयर्स भी दिखना चाहिए, लेंथ भी कम नहीं होना है, तो कैसे कट करना है इस वीडियो में दिखाऊँगी। सबसे पहले मिडिल पार्टीशन लेके ईयर टू ईयर सेक्शन में दो अलग अलग इस तरह रखना है आगे से, और पीछे से भी बाल को सेक्शन क्लिप से रखना है, ताकि आगे का कटिंग करते समय पीछे के बाल डिस्टर्ब ना हो। अभी फ्रंट साइड एक तरफ के हेयर खोल के एक पतला सेक्शन लेना है, इस तरह देख लीजिए, एक पतला सेक्शन लिया है, और इसको आगे की तरफ कॉम करके जितना आपको फर्स्ट लेयर लंबाई चाहिए उतना आपको कट करना है। यहाँ पर मैंने सिर्फ फ्रंट साइड हेयर को शॉर्ट करूँगी, पीछे वाला हेयर को बिल्कुल शॉर्ट नहीं करूँगी। अभी एक लेयर हमने कट किया है, उसके बगल में न्यू हेयर थोड़ा सा लेना है। एक और पतला सेक्शन लेके ऑलरेडी कट किया हुआ हेयर को गाइडलाइन देखते हुए कट करना है। वैसे ही बगल बगल में पतला पतला सेक्शन लेते हुए कट करते जाना है। अब एक तरफ का फेदर कट हम कर दिया है, अभी पूरे बाल को एक साथ पकड़ के कॉम करके चेक करना है, कहीं कम ज़्यादा है तो उसको फिनिशिंग देना है। देख लीजिए, यहाँ आपको फेदर्स दिखेगा। सेम मेथड फॉलो करते हुए दूसरी तरफ भी करना है। मिडिल पार्टीशन में एक पतला सेक्शन लिया और ऑलरेडी कट किया हुआ हेयर को गाइडलाइन लेना है, दोनों पकड़ के आगे कॉम करके गाइडलाइन देखते हुए कट करना है। अभी साइड में न्यू सेक्शन एक पतला सा लेना है, न्यू सेक्शन का हेयर को ऑलरेडी कट किया हुआ हेयर के साथ कॉम करना है, गाइडलाइन देखते हुए कट करना है। अभी हम फ्रंट साइड का फेदर कट कंप्लीट किया है, फ्रंट साइड दोनों तरफ हमको फेदर लुक दिखाई दे रहे हैं। इधर जब बाल हल्के हैं, पतले हैं और लंबाई ज़्यादा है, तब मैं इस तरह आगे का फेदर कट करती हूँ। पीछे की तरफ देख लीजिए, पीछे की तरफ भी हम पूरा फेदर कट ले जाएंगे तो काफ़ी पतला हो जाएगा और पहले से भी ज़्यादा पतले लुक दिखेगा, इसलिए मैं इधर पीछे का हेयर में सबसे नीचे जितना ज़रूरत है उतना लेंथ कट करते हुए इक्वल लेंथ कटिंग करूँगी। इसका मतलब स्ट्राइट हेयर कट करूँगी, आगे का फेदर्स और पीछे का स्ट्राइट हेयर कट। इसमें आपको बैक साइड आपको हेयर पूरा आपका पेट में फैला हुआ दिखेगा, वॉल्यूम दिखेगा, और यू वी शेप जब हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली पतला नज़र आएगा। ये यू या वी शेप नहीं है, स्ट्राइट शेप दिया है पीछे से, और आगे से लेयर्स भी दिया है। देख लीजिए आगे से कितना अच्छा लेयर्स दिख रहे, और पीछे से लंबाई कम ना करते हुए स्ट्राइट कट किया है। अब ये आगे का फेदर्स और पीछे का स्ट्राइट कट दोनों मिलके आपको लेयर्स भी दिखेगा और लंबाई भी कम नहीं होगा, और साथ साथ वॉल्यूम भी आ जाएगा बालों पर। आप देख सकते हैं इधर क्लाइंट का हेयर कट कितना अच्छा लग रहा है, और क्लाइंट भी खुश है। एक क्लाइंट मेरे से लास्ट 2 ईयर्स से हेयर कट कराते हैं और बाकी ब्यूटी सर्विसेज भी लेते हैं हमसे। इनका एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती है। हाय, आई एम अरुणिमा सिन्हा एंड मैं पास्ट 2 ईयर्स से इसी सैलून में आती हूँ, एंड इट्स वेरी सेटिस्फाइंग। मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ लास्ट 2 ईयर्स से। मैं सारे हेयर कटिंग्स यहीं से कराती हूँ, एंड मेरे हेयर्स भी बहुत अच्छे हो जाते हैं एंड हेयर ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होता है। तो थैंक्स टू चामो आंटी।